हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग खबीर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सोया चंक्स मंचूरियन। ये टेस्टी होने के साथ ही साथ हेल्दी भी है, और इस मंचूरियन को मैंने बिना वेजिटेबल्स के बनाया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारे पास सारी वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं होती हैं जो हम मंचूरियंस में डालें। तो इसलिए मैंने इस मंचूरियन की रेसिपी को आपके साथ शेयर किया है। जब आपका मन करे कुछ चटपटा और हेल्दी खाने का, तो इस सोया चंक्स मंचूरियन को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताती हूँ कि बिना वेजिटेबल्स के मंचूरियन को कैसे टेस्टी बनाया जाए। तो कढ़ाई में डाल दें पानी, उसमें डालेंगे हम एक कप सोया चंक्स। यहाँ पर हमने सोया चंक्स को पानी के साथ बॉईल करना है, बॉईल पानी में सोया चंक्स को नहीं डालना है। इससे क्या होगा कि हमारी सोया चंक्स बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट होंगी, बहुत ही अच्छे से बॉईल हो जाएंगी। ठीक है, इसको 5-10 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से बॉईल कर लें। बीच बीच में हम इसको कवर को हटाकर इसको चेक करेंगे कि कितने परसेंट तक बॉईल हुआ है। यहाँ पर हम इसको बहुत ही अच्छे से बॉईल करेंगे। देखिए, अब सोया चंक्स बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुका है। 5 से 6 मिनट लगा इसको अच्छे से बॉईल होने में। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पानी जो है वो निकाल देंगे। यहाँ पर हम पूरा पानी इसका पसा लेंगे, बस उसमें थोड़ा पानी होना चाहिए। देखिए कितना थोड़ा पानी होना चाहिए, जब हम इसको इस तरीके से दबाएं तब इसमें निकले पानी, ऐसे सिर्फ उठाने पे नहीं निकले, जब हम इसको दबाएंगे तब पानी निकले। ठीक है, अब हम बॉयल सोया चंक्स को बाउल में निकाल लेंगे। इसको आप चाहें तो थोड़ा ठंडा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 छोटा चम्मच कुटी काली मिर्च और 2 बड़ा चम्मच ऑल पर्पज़ फ्लास यानी मैदा। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें मैदा नहीं डालना है, हमने इसके पकौड़े नहीं बनाने की हद से ज़्यादा इसमें मैदा डाल दें। और यहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल करेंगे। इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें। फिर हम पैन में ऑयल गर्म करेंगे, इसको डीप फ्राई कर लेंगे। एक एक करके हमने इसको पैन में डालना है और इसको बिल्कुल डीप फ्राई करेंगे। कम तेल में ना डालें, ज़्यादा तेल में इसको डाल के फ्राई करें। पहले ये नीचे बिल्कुल बैठा होगा क्योंकि ये काफ़ी हैवी होगा, इसको चलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। जब ये धीरे धीरे फ्राई होने लगेगा तब ये ऊपर इस तरीके से फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, इसको हम मीडियम फ्लेम पर रख कर ही बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे। स्लो फ्लेम पर ना फ्राई करें, ना ही बिल्कुल हाई फ्लेम पर करें। मीडियम फ्लेम रख के इसको बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लें। जब ये बिल्कुल गोल्डन हो जाए तब हम इसको पैन में से निकाल लेंगे। सोया चंक्स बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। देखिए, ऊपर से क्रंची है और अंदर से बहुत ही जूसी है। ये बिल्कुल पकौड़े की तरह नहीं है, ऊपर की लेयर इसकी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ है। अब कढ़ाई में डाल दें 1 बड़ा चम्मच तेल, इसमें डाल दें 1/2 छोटा चम्मच पीली सरसों, फिर इसमें डाल दें कुछ करी पत्ता और 1 मीडियम साइज़ प्याज जिसको रफली चॉप्ड किया हुआ है। इसको हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच बारीक कटा अदरक लहसुन, इसको भी हमने पहले थोड़ा फ्राई करना है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल, इसको भी डालकर थोड़ा फ्राई कर लें। फिर हम इसमें डाल देंगे कुछ सॉस, जैसे कि 1 छोटा चम्मच टोमेटो सॉस, 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस, 1 छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 2 छोटा चम्मच सोया सॉस। इसको भी डालकर अच्छे से मिक्स करें। अब हम लेंगे 1 छोटा चम्मच अरारोट, इसमें डाल देंगे 1/3 कप पानी। इसको डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसको भी कढ़ाई में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें डाल दें स्वाद अनुसार नमक, इसको भी डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स करें। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रख के यहाँ पर हम कुकिंग करेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे फ्राई की हुई सोया चंक्स, इसको भी डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दें। तो लीजिए, बनके तैयार है बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सोया चंक्स मंचूरियन। ये बहुत ही टेस्टी है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप भी इस मंचूरियन को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये सोया चंक्स मंचूरियन की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर टच करें ताकि मेरी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।